मन तरक्की उर्दू हिंद मगरी बंगाल की जानिब से माध्यमिक हाई सेकेंडरी व हाई मदरसा में उर्दू में टॉप 3 तलबा को एवार्ड से नवाजा गया। ये एवार्ड उर्दू के मरहूमिन सिपा सलार प्रोफेसर कैसर समीम, प्रोफेसर सलमान खुर्शीद, कासिम मलिक, मोहम्मद सिद्दीक, अलीजान एडवोकेट और अशफाक खान के नाम से मंसूब था। इसके अलावा मुजाहिद उर्दू के अवार्ड जावेद अहमद खान और शमसुजमान सारी को दिया गया। उर्दू के लिए खिदमत अंजाम देने वाले अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के बुजुर्ग शख्सियात में आसनसोल से मोहम्मद जलील साहब, खड़गपुर के सूफी सैयद इब्रार साहब और शिवपुर हौरा के जहरुल इस्लाम साहब को खादिम उर्दू के अवार्ड से नवाजा गया। इस मौका पर इजहार ख्याल करते हुए रियासती वजीर जावेद अहमद खान ने कहा कि अगर कोशिश किया जाए तो कामयाबी के दरवाजे क्यों नहीं खुलेंगे। सच्ची कामयाबी के लिए जुस्तजू जरूरी है और तब हमें कामयाबी हासिल होगी। इस मौका पर गुलाम मोहम्मद ने कहा कि अहले उर्दू को चाहिए कि अपने शादी ब्याह के कार्ड भी उर्दू में शाय करवाए। इस मौका पर इजहार ख्याल करते हुए अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद मगरी बंगाल के रियासी सदर इजहार आलम ने कहा कि अगर तलबा 3D की पॉलिसी पर अमल करे तो उन्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह उर्दू तलबा मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं उनको हम मुजाहिद उर्दू कह सकते हैं। इस तकरीर से खिताब करते हुए अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद मगरी बंगाल के नायब सदर कमुद्दीन मलिक ने कहा कि उर्दू तलबा किसी से पीछे नहीं है। आज मुकाबला जाति इम्तहान में उर्दू तलबा ही इंग्लिश मीडियम से आगे बढ़ रहे हैं। अंजुमन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर वासिफ अख्तर ने कहा कि अंजुमन तरक्की उर्दू ने इस तरह का प्रोग्राम करके अपने बुजुर्गों के नाम से मंसूब ये अवार्ड दे रही है। आज इतनी बारिश के बावजूद तुफसिया के फुटबॉल मैदान बिल्कुल भरा हुआ था और ये प्रोग्राम नहायत ही कामयाबी से हमकिनार रहा। मैं साजिद परवेज, टाइम्स न्यूज 18, कोलकाता। तीन अवार्ड चला जाएगा, लेकिन कितना अवार्ड जाएगा? नंबर जो है हम लोगों ने इस बार मजबूर होकर के हम मायूस होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह वो भी एक दिन कामयाब होंगे और उर्दू का नाम रोशन करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर निहाल अहमद साहब का। याद नहीं हुई वहां तक तो पहुंची और कल जो उसका इस्तकबाल हुआ है जब वो एयरपोर्ट से उतरी और अपने गांव तक गई तो शानदार जिसको इस्तकबाल करना है वो किया गया। बहुत सारे लोगों ने उसको राज्यसभा आपको बताएंगे जो उर्दू मीडियम से पढ़ के बड़े बड़े पोस्ट पर आया है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले हमको याद भी नहीं है कि कोई है कि नहीं है। हम लोग अरे भाई इंग्लिश सीखना है, दुनिया के हर जवान सीखे ये नहीं है, लेकिन आप उसको ट्यूशन करके इंग्लिश सीख सकते हैं। उर्दू मीडियम से आप तालीम अपनी मुकम्मल करें। तो मैं ज्यादा बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन मुझे फख्र की बात है कि आज मुझे कह सकते हैं कि आने वाले 10 साल के अंदर आप देखिएगा हर सरकारी अभी भी हर सरकारी अस्पताल में मुसलमान डॉक्टरों की तादाद बहुत ज्यादा है। आज के दिन में बहुत ज्यादा डॉक्टर बन रहे हैं और उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई कामयाब होते हैं तो वो लड़कियां कामयाब होती हैं। यही सबसे बड़े आज खुशी की बात है। जिस माशरे में जिस कौम में और हम लोग से ज्यादा ये खट रहे हैं और ये जो नंबर आ रहा है जहां पर हम लोगों ने ऐलान जो किया था कि ज्यादा मार्क्स, तो हमसे बहुत से लोगों ने फोन करके ये पूछा कि ज्यादा मार्क्स का मतलब क्या है। हम लोगों ने कहा कि हम तो तय इंडिकेट डेस्टिनेशन, मंजिल का तायुन आपके लिए जरूरी है। पहले आप तय करें किस लाइन में जाना है। जब तक ये तय नहीं करेंगे आपको अंदाजा नहीं होगा कि आप जाएंगे किधर। दूसरा डी है वो है डिटर। आपको लगा है या गुना कि ऐसे खतरनाक मौसम में आप आगे पूरी तादाद के साथ, इसके मतलब उर्दू का मुस्तकबिल बिल्कुल ताबनाक है। इंशाल्लाह उर्दू जिंदाबाद, उर्दू पाइंदाबाद। शुक्रिया। दरमियान अब्दुल जलील साहब नहीं है, उनके पास जल सदस्य मिलान किया है।
कि अंजुमन की टीम उनके रिहायश जाकर जाकर उनके अवार्ड से ना हो सके। उसके बाद हमारे पास ये दो हमारे बच्चियां फर्स्ट अवार्ड है, फर्स्ट प्राइज है। अनजान अवार्ड सुनवाए जा रहे हैं स्वयं पोजीशन स्वयं इनाम शगुफी सातमा। अरे अरुण भाई सामने आइए। मोहम्मद इरफान विश्वास जीवन हाई स्कूल। तादाद तलवा की बहुत ज़्यादा हो गई, तो हम लोग को तपसिया फुटबॉल ग्राउंड में करना है। इसमें 100% आने वाले जो बच्चे तलवा तलवा इसमें आए हैं, बहुत बड़ी खुशी की बात है। और हम लोग जो महसूस करते हैं कि उर्दू दम तोड़ रही है, ऐसी बात नहीं है। आज भी बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, 99%, 98%, 100% तक बच्चों ने लाया है उर्दू में। आज इस मौसम की खराबी की वजह से ये पूरा हॉल भरा हुआ है और सारे लोग इसमें ज़्यादा है। ये नया हॉल में आज किए हैं फुटबॉल ग्राउंड में। अगर 96 और 97 यहीं आके ख़त्म हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड का मामला, 95 तक रुक गया आगे। अब समझ सकते हैं कि हमारे बच्चों का जो वो टैलेंट है उनका अप्रिसिएशन हम लोग करना चाह रहे हैं, ताकि वो लोग सोचे कि भाई कोई अदारा हमारे बारे में सोचता है। और उनको आज के प्रोग्राम में उनका मुस्तकबिल का जो वो गाइडलाइन है वो भी उन तक पहुंचाया गया कि भाई अपने मंजिल के तरफ लगन के साथ और डेडिकेशन के साथ लगे रहें। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद हर साल ये प्रोग्राम करती है, और इस प्रोग्राम में सबसे बड़ी बात है आज उर्दू घर से हट के ये प्रोग्राम करना पड़ा, इसलिए कि तलबा और तालबात की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि हमारा उर्दू घर छोटा पड़ जाता। तो हमारे जो सरपरस्त हैं वज़ीर मौसूफ जावेद अहमद खान साहब ने अपने ही ये ऑफ़र किया कि इस जगह पर ये प्रोग्राम कर लें तपसिया फुटबॉल ग्राउंड के पास, और वो इंतज़ाम अपनी निगरानी में करवाए। अब वो दिलचस्पी लेकर के इस प्रोग्राम में आखिर तक बने रहे। आमतौर से ये होता है कि वजीर इतने मसरूफ़ हुआ करते हैं तो बिल्कुल 15-20 मिनट बाद बोलेगा, आज वो करीब करीब। और जो है यहाँ से जहीरुल इस्लाम साहब वहाँ से जो है, और हम लोग जो है ये हौसला अफजाई करते हैं कि लोग जो है उर्दू के फ़रोग के लिए काम करें। और हमारे साथ जो है अंजुमन उर्दू तरक्की में बहुत अच्छे लोग काम करने वाले हैं उर्दू के फ़रोग के लिए। इस बार हम लोग देखिए, ये हम लोग का बहुत बड़ा दिन है, जबकि जो है आप देखते थे कि 2011 के पहले लोग नंबर देने में जो है कोताही करते थे। आज जो है नंबर जो है बढ़ चढ़ के दिया, 100 में 100 यानी जो है रिटेन में 80 और ओरल में 20 मिलाकर जो है 100 नंबर के दो बच्चे आए, 99 जो है तीन बच्चे आए हायर सेकेंडरी में, और 8 बच्चे 98। हम लोग किस तरह जो है मैंने लोगों को अवार्ड दें, हम लोग को सोचना पड़ा कि इतना अच्छा नंबर पा रहे हैं उर्दू में, उर्दू सब्जेक्ट में। और अल्लाह का शुक्र है कि माध्यमिक में भी उसी तरह हुआ, और हम लोग जो है अगले बार हम लोग जावेद भाई को भी अवार्ड दिए हैं। जावेद भाई जो है मुजाहिद उर्दू हैं, और हम लोग को शमसुल जमा साहब आने वाले थे, वो वेदर गड़बड़ होने की वजह से नहीं आए, लेकिन जो है उनको हम लोग जाकर देंगे। और हमारे अब्दुल जलील साहब जिनको खातिम में उर्दू के अवार्ड हम लोग को देना था, और वो हमारे वाइस